रानी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। जैसा आप सभी को पता है कि खंडवा जिले और आसपास में पिछले कुछ समय से वाहन चोरी की काफ़ी घटनाएं हो रही थी। इसमें मोटरसाइकिलें अलग अलग जगहों से चोरी हो रही थी। उसको लेके मेरे द्वारा एडिशनल एसपी शहर, सीएसपी खंडवा और उनकी टीम को इसमें लगाया गया। जहां जहां चोरी की घटनाएं हुई थी उन घटनाओं के आसपास के सीसीटीवी फुटेज जब हम लोगों ने चेक किया गया तो वो व्यक्ति मनोहर भील नाम का निगरानी बदमाश निकला, जो थाना पंधाना क्षेत्र का रहने वाला है। मुखबिर लगाया गया, उसके बारे में जानकारी ली गई तो पुराना वाहन चोर था, 14 मामलों में खंडवा के अलग अलग थानों में पहले गिरफ्तार हो चुका था। इस मामले में जब टीआई कोतवाली, टीआई पदमनगर और उनकी टीम को लगाया गया था, उन्होंने इसको पकड़ा और पूछताछ के बाद ये पता चला कि इसने पिछले 2.5 महीने में लगभग 17 मोटरसाइकिलें अलग अलग जगहों से चोरी की थी। उससे न केवल खंडवा बल्कि बुरहानपुर और खरगोन जिले के भी मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। अभी तक जो 17 मोटरसाइकिलें हम लोगों ने इससे बरामद की है, इसके 3 साथी और मिले हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल को बेचने में या खरीदने में मदद की। उसमें चुंडीलाल कोरकू, ये सरेलिया थाना नरोड़ा नगर, दिनेश राजपूत, ये बरखेड़ी थाना पंधाना, बिरेन बिलाला, ये बांगरदा थाना मुदी, ये भी गिरफ्तार हो गए हैं। इन चारों लोगों से जो अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें मुख्य रूप से हमारे पास उसमें जो चोरी की गाड़ियां बरामद हुई है उसमें कोतवाली खंडवा के 2, मोहट रोड के 5, मोदी की 1, मानधाता की 2, छैगांव माखन का 1, बुरहानपुर के 2 और खरगोन जिले के 2 मोटरसाइकिलें वो चोरी की बरामद हुई, जिनमें उन जिलों में चोरी के प्रथम सूचना पत्र FIR दर्ज है। 2 गाड़ियां भी अज्ञात हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में ये इसका जो तरीका वारदात था, ये आता था, रैकी करता था और अकेले ही घटना को अंजाम देता था मनोहर। और उसके बाद ये फिर देहात क्षेत्रों में कुछ, इसके जो 4 नाम मैंने बताए, इनके वो एजेंट हैं जिनके माध्यम से वो गाड़ियों को बेचने का काम करता था। तो इसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया है, इससे और पूछताछ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि और भी गाड़ियां इससे बरामद हो जाएंगी और कुछ अन्य लोगों के बारे में भी, इससे जेल के दौरान इसका साथ हुआ था उनके बारे में भी जानकारी मिली है। तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि अभी और भी गाड़ियां बरामद करेंगे। अभी तक कुल जो 17 गाड़ियां हैं लगभग उनका 11 लाख रुपए की कीमत के बरामद हुए। इस पूरे घटनाक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक खंडवा अरविंद तोमर, TI पदमनगर अशोक चौहान, TI कोतवाली दिलीप देवड़ा और उनकी टीम ने बहुत ही मेहनत से और लगातार पिछले कई घंटों से लगातार कार्रवाई करी है, जिसके कारण ये एक बड़ी सफलता खंडवा पुलिस को मिली है। मैं पूरी टीम को अपनी ओर से 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार से भी पुरस्कृत कर रहा हूँ। ये प्रोफेशनल पहले भी है, 14 मामलों में पहले भी अरेस्ट हुआ है और इसका काम ही यही है कि एक्सपर्ट है वाहन चोरी का, बहुत जल्दी जाता है और लॉक को खोलना उसको आता है, तो इसलिए वो लेके और तत्काल उसको भेज देना। तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसको पुराने जो मामले जिसमें जमानत है उसमें भी हम लोग जमानत निरस्त कराएंगे। और ये जो अभी ये 17 मामले हैं, इन मामलों में तो गिरफ्तारी पहले हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद फिर बुरहानपुर और खरगोन पुलिस
को भी अवगत करा दिया है, वो लोग भी आएंगे और इसको फॉर्मल अरेस्ट करके अपने केस में भी जानकारी देंगे। ये कुछ जब ये जेल में था तो उस समय साथ में थे, और कुछ इनके पहले से ही, ये चूंकि वाहन चोरी में इन्वॉल्व है तो पहले से अलग अलग क्षेत्र, नर्मदा नगर, मोदी और पंधाना, इन्हीं क्षेत्रों में गाड़ियां भी मिली। इसमें एक जगह ऐसा भी एक गांव मिला जहां पे जब टीम इन्होंने बताया गए तो पूरा गांव खाली था, और अच्छा मोटरसाइकिलें मिली जो रखी हुई थी अलग अलग जगहों पे, वो भी चोरी इसी के द्वारा की गई। बताया मैंने खरगोन और बुरहानपुर की। नहीं, एक गाड़ी के बारे में जरूर पता चला कि बुरहानपुर से चोरी की थी, फिर वो मुगट थाने के अहमदपुर खैगांव में वो आया था और वहां गाड़ी छोड़ के और वहां से दूसरी गाड़ी फिर चोरी करके वो ले गया था। तो ये हो सकता है, अभी और पूछताछ करेंगे कि वाहन चोरी करने में भी हो सकता है कि चोरी की गाड़ियों का उपयोग उसने किया हो। मैं पता कराऊं जी, ये करता अकेले है, ये पुराना है, जैसे बताया घटना अकेले करता है, बाद में ये बेचने में इनका सहयोग लिया, इसीलिए पहले आरोपी नहीं बन रहे थे, इन लोगों को इसीलिए आरोपी बनाया कि इनको भी इसका सबक मिलना चाहिए कि चोरी की गाड़ियों को अगर आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो आपका भी दोष उसमें। बताया मैंने आपको कि बेसिकली सीसीटीवी फुटेज खंडवा में भी, बुरहानपुर में भी, कई जगह हम लोगों ने जब खंगाले तो उसमें इसकी चेहरे से आइडेंटिफिकेशन हुआ, और वहां से फिर ये इसको फॉलो जब किया गया हमारे टीम ने और कुछ मुखबिर भी लगाए, तो ये पता चला कि अभी लगातार ये पिछले कुछ समय से वाहन चोरी की घटनाएं कर रहे हैं। ये कि दरबार दावे खरीदारों को घुमा करके बेचते थे या क्या, मतलब इस तरह की फर्जी दस्तावेज? नहीं नहीं, पैसे के लिए, अभी तो पैसे के लिए लेके बेच रहे थे, कोई कागज बना के नहीं देता था। अभी तो गाँव में देखिए, गाँव में लोगों को अगर कम पैसे में गाड़ी मिल रही है तो ये जानने का बहुत सारे लोग प्रयास नहीं करते कि ये गाड़ी का सोर्स क्या है। ये बाद में पता चलता है कि ये गाड़ी चोरी की थी या कहीं किसी ने किसी कारणवश दी है। ये हाँ जी, ये चार जो तीन लोग हैं खरीदारी है, जो उनके साथ मनोहर के साथ जो बाकी चार लोग हैं वो खरीदारी।